हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एसएससी सीजीएल सीएचएसएल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एसएससी में हमारे तीसरे महत्वपूर्ण वीडियो को। इसके प्रीवियस सेशन में हमने एसएससी में बायोलॉजी का 1 और 2 सेशन कवर कर लिया है, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी के कुछ सिस्टम को पढ़े हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम 2 और इंपॉर्टेंट सिस्टम को पढ़ेंगे, ये भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ बेसिक बातें हम समझेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन वाले में आगे उस पार्ट को आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी का जो हमारा पार्ट रहेगा ये थ्योरेटिकल पार्ट है और देन आफ्टर हम इसके जो सेकंड स्लॉट में जब जाने वाले हैं उस समय हमारे पास जो है प्रैक्टिस होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा बेसिकली देखिए नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र एंड हार्मोन सिस्टम को लेकर रहेगा। इससे रिलेटेड बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उन सभी पार्ट को मैं अभी आज एक्सप्लेन करूंगा, तो आप केयरफुली सभी बातों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि जब हम ब्रेन को पढ़ते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है, एक होता है ब्रेन, ठीक है, यानी मस्तिष्क, ठीक है, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, दूसरा होता है क्या है स्पाइनल कॉर्ड या फिर कहते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ह्यूमन बॉडी में एक्चुअल में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिकाओं का जाल पूरे आपके बॉडी में बिछा हुआ है, जिसमें कि आपके ब्रेन से लेकर आपके पांव तक, मतलब सिर से लेकर पैर तक, हाथ से लेके आपके डिफरेंट जो सेंसरी ऑर्गन्स तक, हर चीजों में हम देखते हैं यहाँ पे नर्व्स का पूरा जाल फैला हुआ है। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शरीर की सबसे जो लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है यही तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्व सेल जो है लार्जेस्ट सेल है ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम इस ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम को देखते हैं तो उसे हम 3 टाइप के चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अभी उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। दूसरा होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चौथा होता है जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी बातों में देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सब ब्रेन का आ जाएगा, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट को भी समझते हैं। देखो, ये है लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट भी पूछे जाते हैं कि स्वान सेल किस में होता है ना, वो होता है नर्व सेल में। ठीक है, एक्सॉन, डेंड्राइट्स क्या है, तो डेंड्राइट्स जो लास्ट वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ब्रांचेस है, ये क्या आपका डेंड्राइट होता है। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे उसमें देखते हैं कि नर्व सेल के ऊपर एक सीत या एक ऐसा आवरण मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं माइलिन सीत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को समझना है कि इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं तो वो पार्ट को हमको समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से, ये है आपका ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में अगर आप देखें तो एक होता है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, एक होता है यहाँ पे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है। तो यहाँ पे इन सभी से रिलेटेड जो डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेन है पूरा, ये कंप्लीट ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद जो है यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, कहाँ पे, जस्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लास्ट जो स्टेम है, ब्रेन स्टेम कह सकते हैं या फिर इसमें, यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ही क्या है, होते हैं ऐसे इस प्रकार की स्टिमुली होते हैं या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे संवेदनाएं होती हैं जिसका जो है अलग अलग जगह से या तो उसे भेजा जाता है या तो रिसीव किया जाता है। तो 3 प्रकार की चीजें होंगी, आपके स्किन में पिन चुभोया गया तो वहां से आपको एहसास होता है कि पिन चुभोया गया, तो वहां से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचती है, तो वो क्या है, वाहक का काम करती है। ठीक है, वो वाहक का काम करती है। तो क्या होता है, पहली आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे संवेदनाएं ग्रहण किए, तो संवेदी या कहेंगे इसे क्या कहेंगे, सेंसरी टाइप की चीजें होंगी नेचर। एक होता है वाहक, ठीक है, वाहक यानी हम कहते हैं मोटर, ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन वहां से लेके आए, एक तो इसने क्या है स्टिमुली को एक्सेप्ट किया, ठीक है, फील किया, उसको जो है आपकी मोटर सेल से आप तक पहुंचाया गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है मिक्स्ड यानी मिश्रित,
एक होता है मिश्रित, ये तीन टाइप के ही नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इस टाइप से पढ़ें, इसके बजाय हम एक एक पार्ट को समझते हैं और वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस जब पूछा जाएगा या क्वेश्चन जो बनेगा तो उसको फिर रिलेट करेंगे इन सभी बातों पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि जो ब्रेन होता है, मैंने बताया कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है क्या है, ब्रेन। और ब्रेन क्या होता है, आपके ब्रेन का कितना जो होता है वजन कितना होता है, इसका वेट होता है 1400 ग्राम, या फिर मोटा मोटा अगर याद करना है तो 1.5 किलो आसपास रहता है हम कह सकते हैं, लेकिन 1400 ग्राम एक्चुअल होता है, पाउंड में देखें तो 3 पाउंड इसे कह सकते हैं, ठीक है। जो आपके बॉडी का 2% पार्ट होता है, टोटल वेट ऑफ योर बॉडी का क्या है, 2% पार्ट होता है। अब यहां पे देखते हैं जो ब्रेन है वो आपको तीन पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो यहां पे पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क से कहते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के फिर से तीन पार्ट हो जाएगा, वन इज द सेरेब्रम, सेकेंड इज द डायनसेफेलॉन, ठीक। तो यहां पे इस बात को समझेंगे, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो है फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जो टोटल ब्रेन का 2/3 पार्ट अकेला बनाता है, ठीक है। तो क्या समझ गए कि फोर ब्रेन किससे दो पार्ट होता है, एक क्या होता है दैट इज सेरिब्रम होता है और दूसरा क्या होता है यहां पे डायनसेफेलॉन, क्लियर हो गया। तो अब यहां पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये है कि जब हम सेरिब्रम को देखते हैं तो ये सेरिब्रम या जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ये क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसका सेरिब्रम ज्यादा डेवलप है ये कहा जाता है। तो सेरिब्रम का डेवलप होना, ज्यादा फर्टाइल होना, ज्यादा अच्छा होना, तो वो एक इंटेलिजेंट पर्सन की वो क्या है, एक इंडिकेशन है, ठीक है। तो मानव की चेतना, उसमें जो लॉजिक लगाना, जो उसमें स्मरण यानी फिर हम रिकॉल करते हैं, लर्न करते हैं, जो ज्यादा जो है माइंडेड होता है, बुद्धि का जो है केंद्र होता है, इस अधिक विकसित होने पर व्यक्ति अधिक इंटेलिजेंट होता है और ह्यूमन बॉडी का मस्तिष्क का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। दो तीन बातें समझ में आ गई, ये जो डिफरेंट टाइप की चीजें फंक्शन दिख रही है ना, कि उसमें लॉजिकल जो ज्यादा बात करता है वो ज्यादा जो है इंटेलिजेंट टाइप का होता है, ठीक है, बहुत सारा, तो वो चीज होता है क्या है, वो बुद्धिमान या इंटेलिजेंट होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि उसका सेरिब्रम ज्यादा डेवलप है, ठीक है। वैसे ही होता है आपका डायनसेफेलॉन जो होती है ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, आज हम उसको पढ़ने वाले भी हैं, और उसे सबसे स्मॉलेस्ट जो है इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इससे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो है जुड़ा होता है, और थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस क्या होते हैं, इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, समझ में आया, ये है डायनसेफेलॉन। इसके फर्दर दो पार्ट होंगे क्या क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे और दूसरा होता है थैलेमस। तो जब हम हाइपोथैलेमस और थैलेमस को देखते हैं तो हाइपो का मतलब नीचे है, तो ब्रेन में जो नीचे का पार्ट होता है, अभी हमने स्लाइड में देखा, ये वाले में देखिए देखिए हाइपोथैलेमस ये नीचे वाला पार्ट है, थैलेमस ऊपर वाला पार्ट है, तो ये किसका पार्ट है, मेन जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो ये है आपका पहला कौन सा है, थैलेमस, और दूसरा क्या है, ये हाइपोथैलेमस। चीजें क्लियर हो गई आपको, तो यहां पे देख क्या रहे हैं कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस है, इसका जो फंक्शन है याद रख लें कि पहली बात तो थैलेमस डायनसेफेलॉन का ऊपरी भाग होगा, हमने बता दिया, हाइपो मतलब नीचे और नॉर्मल थैलेमस मतलब उसके ऊपर, ठीक है। इस भाग से क्या है, पीनियल ग्लैंड जुड़ी होती है, और पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पे देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के क्या काम है, हाइपोथैलेमस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको भूख लगी, प्यास लगी, ठीक है, भूख प्यास आपको लगी, आपको सेटिस्फेक्शन जो है जो संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन जो होता है उसका जो है सेंटर होता है, ठीक है। पहली बात इसमें देख लें कि ब्रेन का ये निचला पार्ट होता है किसका, डायनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस जो होता है
डायनसेफलन का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, और ये लोएस्ट पार्ट ये होता क्या करता है, ये शरीर की बहुत सारे ऐसे फंक्शन का क्या है, को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जो होम्योस्टेसिस में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है स्रावी कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन पीयूष ग्लैंड की श्रवण क्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इन्होंने बताया कि भूख प्यास सेटिस्फेक्शन का सेंटर होता है, और यहाँ पे देखते हैं ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, आपकी नींद, ठीक है, प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, हार्ट बीट, ये सभी चीज़ों का भी मैनेज करता है। तो ये याद रखें, यही चीज़ पूछा जाता है, ये देखिए धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका हाइपोथैलेमस। आपको भूख प्यास लगी तो उसका सेंटर कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मिड ब्रेन को, तो मिड ब्रेन जो होता है वो फिर से दो भागों में बना होता है, वन वी कॉल्ड अ सेरिब्रल पिंडकल। सेरिब्रल पिंडकल जो होता है, सेरिब्रल पिंडकल, ये क्या होते हैं, तंतुओं का या फाइबर्स का बना होता है। कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना क्या करता है, यह विजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना में क्या होता है, आपकी जो दृष्टि या विजन से होता है, ये तंत्रिकाएं निकलकर सीधा सीधा आपकी आई तक जाती हैं। तो समझ में आ गया, दृष्टि या विजन से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है। समझ में आ गया आप सभी को, सिंपल है ये दो बातें। इसके बाद देखिए अब हिंड ब्रेन को देखते हैं, पश्च मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। देखो यहाँ पे नाम बड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, एक है सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा, बिल्कुल मत घबराओ। देखो हमने यहाँ पे कहा कि अग्र मस्तिष्क के दो भाग हैं, अग्र मस्तिष्क के दो भाग है हमने पढ़ा, तो उसमें क्या है, हमने दो भाग ये जो पढ़े थे, ये दो भाग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक है सेरिब्रम दूसरा डायनसेफेलन। सिमिलरली हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे जो है सेरिब्रम और जो है आपका डायनसेफेलन टू पार्ट देखे, तो डायनसेफेलन के फर्दर दो पार्ट देखे थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वैसे मध्य मस्तिष्क के दो भाग हमने यहाँ पे कहा, तो मध्य मस्तिष्क के दो भाग में यहाँ पे क्या क्या आ गया, ये होता है सीधा सीधा सेरिब्रल पिंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। और वैसे ही पश्च मस्तिष्क का क्या आ जाता है, फर्दर टू पार्ट आता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो सेरिबेलम के बारे में ध्यान दीजिए कि यह ह्यूमन ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये करता है गति नियंत्रण, समन्वय कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, और ऐसी ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये बात आती है सेरिबेलम के बारे में, जिसमें हमने समझ गया ह्यूमन बॉडी का जो है बैलेंस बनना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उसका जो है गति नियंत्रण करना, ये सब चीज़ें जिसका काम होती है, सेरिबेलम का काम होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या होता है, ये सबसे पीछे ह्यूमन ब्रेन का सबसे पीछे का जो है ट्रायंगुलर पार्ट होता है, और भोजन को निगलने, उल्टी जैसी क्रियाओं का, निगलना मतलब आप अंदर लेना, अंतर्ग्रहण जिसे इंजेक्शन कैसा कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, दूसरा कि यहाँ पे वॉमिटिंग वाला जो पार्ट होता है कभी कभी हो जाता है, तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा से वो उसका क्या है, वो सेंटर होता है। कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में चला गया है तो उसे हमको वॉमिटिंग करना है, तो वहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा का रोल होता है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से इतना ही चीजें काफी हैं, आपको अलग से कुछ नहीं पूछेगा, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट होता है क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में देखते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, जो ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो है पिछला पोस्टीरियर पार्ट होता है, उससे आगे क्या है, एक ऐसा महारंध्र निकलता है, एक बड़ी जो है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, और उसे हम देखते हैं जो उसके आगे जो पहला होता है उसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुरज्जु, ठीक है। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर कौन सा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया,
प्रतिवर्ती क्रिया वो होती है जिसमें ब्रेन का आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, अचानक से हो जाता है। जैसे कि आपके सामने अचानक कुछ चीज आ जाती है तो आपके पलक जो है नीचे झुक जाते हैं, ठीक है। अचानक आपको देखना कि कुछ लाइक सामने आ जाता है तो आप भागने लगते हैं, कोई ऐसी चीज आ जाती है आपके सामने, सांप आ गया आपके सामने, कुछ ऐसा कॉकरोच आ गया, कुछ भी आ गया, आप डरे और सीधा क्या है भाग गए। तो वो चीजें जो होती हैं तुरंत ही आपको इंस्टेंट जो होता है आप रिएक्शन लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इसमें याद रखें, कोई गर्म चीज कोई ठंडी चीज अचानक हम कॉन्टेक्ट में आता है हमारा बॉडी, तो हम एकदम गर्म चीज से क्या, हम या तो जल जाएंगे तो तुरंत हम हटा लेते हैं इंस्टेंट, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो पलक का झुकना हो, ये गर्म चीज के कांटेक्ट में आना, तुरंत हटाना हो, तो ये सब चीजें आपकी प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है ना। और यह क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन अनैच्छिक क्रियाओं को भी क्या करता है, संतुलित करता है। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, देखिए ये है मस्तिष्क में ही ज्ञान इंद्रियों द्वारा उद्दीपनों स्टिमुली का विश्लेषण होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क से मतलब समझ में आया, स्टार्टिंग का पार्ट मेन जो होता है वो है सेरेब्रम, ठीक है। तो सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क से जो होता है उसे अच्छी क्रिया कहते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल स्टिमुली को क्या करता है, बहुत सी क्रियाएं क्या होती हैं बिना ब्रेन के ही वो कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। और इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, इसी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। तो मस्तिष्क का इन क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ब्रेन का इनके काम पे कोई रिएक्शन, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि वही चीजें जो गर्म चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं तुरंत आप हटा लेते हैं, तो यही आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये बात सभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए कुछ और बातें हैं जो आपकी इसमें समझनी है, कि वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने तीन नर्वस सिस्टम की बात की थी, पहला है क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि क्या क्या गया, CNS, जिसमें कि क्या गया यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। उसके बाद देखते क्या है, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा क्या आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों जैसे कि ऑर्गन्स, मसल्स आदि से जोड़ने वाली एक धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधि तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, ठीक है। बस यहां पे इतना समझे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, आपके 12 पेयर्स क्या है, क्रेनियल नर्व्स मिलते हैं, और 31 पेयर्स क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीजें समझ नहीं आई होगी, मैं जान रहा हूं, तो यहाँ पे सुन लीजिए कि जब हमारा ब्रेन होता है तो ब्रेन में क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, अग्र मध्य पश्च फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन। अब वहां से वो तो फंक्शनल है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो नर्व्स का जो पूरा जाल फैला है बॉडी में, तो वहां पे जो डिफरेंट टाइप के जो पूरे सभी टाइप के नर्व जो है वो है स्टिमुली को लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। तो जो जो क्या करता है, सेंसरी वाला पार्ट होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुली को एक्सेप्ट करता है, और आपके वहां पे उसको जो है मोटर नर्व जो है फिर फाइनली आपके ब्रेन तक लेकर आता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहां पे इस बात को समझिए कि ये जो पार्ट होता है, कि पहला है आपका परिधि, मतलब आपके बॉडी के पेरीफेरी में, आपके बॉडी के अलग अलग बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, मतलब पूरे कंप्लीट पेरीफेरी ऑफ बॉडी में वो क्रेनियल नर्व्स का क्या है, पूरा जाल फैला हुआ है। वो कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स। तो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स क्या होते हैं, ऐसे क्रेनियल नर्व्स या कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड से कितने निकले होंगे, 31 पेयर्स। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि वहां से स्टिमुली को जो है रिसीव किया जाता है और मोटर के द्वारा पहुंचाया जाता है। कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं जो दोनों ही नेचर के होते हैं, उनको मिक्स्ड नेचर कहा जाता है, जैसे कि वो सेंसरी का काम भी करेगा, मोटर का भी काम करेगा, तो वो मिक्स टाइप के क्रेनियल नर्व्स हो सकते हैं। समझ में आ गया, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते क्या है, थर्ड वन, दैट इज द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है, कि जो अनवांटेड जो रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन का कोई काम नहीं होता है ना, अनैच्छिक रूप से चलाने के लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है
है ना, इनका काम क्या होता है कि तंत्रिकाएं उन अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करती हैं जो अपनी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना और छोड़ना आपके ऊपर है, आपने सांस लिया, आपने सांस छोड़ा, तो ब्रेन का काम ठीक है लेकिन उसमें आपके ब्रेन का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, उसमें नहीं होता कंट्रोल कह सकते हैं, हार्ट बीट का ब्रेन में कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे क्या देखते हैं, वो एक सेंटर जरूर हो सकता है, एक सर्टेन लेवल तक उसका रेगुलेशन जरूर हो सकता है, लेकिन ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ऑटोनोमस हैं। तो ये क्या करते हैं, ये होता है हार्ट बीट, डाइजेशन आदि, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपकी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और इसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक क्या है, देखो यहां पे कि सिंपैथेटिक मतलब यहां पे है ना, यहां पे पहला देख रहे हैं कि अनुकंपी, ठीक है, ये होता है आपका अनुकंपी। तो अनुकंपी में यहां पे इस पार्ट को समझ पाए क्या कि ये होता है सिंपैथेटिक, परानुकंपी पीपी आ रहा है ना, तो परानुकंपी पैरासिंपैथेटिक, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये क्या है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक दिस इज द पैरासिंपैथेटिक, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं पहला कि यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, ठीक है, हार्ट का जो बीटिंग होता है, जो होता है उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और ये हार्ट बीटिंग को क्या करता है, घटाता है, ठीक है। और ये श्वसन की दर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, ये बीपी को इंक्रीज करता है, यह डाइजेस्टिव ग्लैंड के श्रावण को या डाइजेस्टिव ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या है, इंक्रीज करता है। तो ये बेसिक उसके डिफरेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादातर नहीं पूछे गए हैं, बट ये पूछा जा सकता है ये किसका पार्ट होता है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक किसका पार्ट होता है, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, बस इतना जाने आप, ठीक है। और कई बार एक दो डिसीज पूछ देते हैं, एक होता है मैनिंजाइटिस, मैनिंजाइटिस में क्या होता है, जो ब्रेन का जो है एक्सटर्नल जो लेयर होता है उसमें क्या होती है, सूजन आ जाता है, ठीक है, ब्रेन का जो है लेयर होता है उसके ऊपर एक पतली जो है मेम्ब्रेन होती है, उसमें सूजन आ जाने पर क्या है, मेनिंजाइटिस डिसीज होता है। पार्किंसन रोग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जहां से डोपामाइन एक ऐसा कहना चाहिए सीक्रेशन होता है, तो डोपामाइन का सीक्रेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स का वहां पे न्यूरॉन्स क्या होती है, डेड हो जाती है। तो डोपामाइन का जो है क्रिएशन जो होता है नहीं हो जाने के कारण क्या है, पार्किंसन डिसीज हो जाता है। तो ये ब्रेन से रिलेटेड है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ में आ गया। ये है आपका बेसिकली जो जरूरी चीजें थी जो आपके नर्वस सिस्टम में आपको जानना था, ठीक है। अब हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट क्या देखते हैं, हार्मोन्स को देखते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स में सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बातें देख लीजिए, और यहाँ पे थोड़ा हमको समझना भी होगा कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये किसी ट्यूब्स या किसी ऐसे वेसल्स में नहीं बहते, और ये जिस जगह पे जाएंगे वहां पे क्या करेंगे, ये वो वहां पे ही एक्शन करेंगे, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां वो बेसिकली देखते हैं बॉडी में डिफरेंट टाइप की हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है जहां से थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और वहां से उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। सिमिलरली पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिकल्स, प्लेसेंटा, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और इससे निकलने वाले आपके हार्मोन से सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं कि कौन से ग्लैंड में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो देखते हैं यहां सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हार्मोन्स क्या है और उसके जो है बेसिक लक्षण क्या है। तो हार्मोन क्या होता है, ये सीधे ब्लड में क्या होते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं, और बॉडी में क्या है, कंट्रोल करते हैं बहुत सारे एक्शंस को, ठीक है। और ये एक्शन ये बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, और शरीर के बहुत सारे टास्क को क्या है, रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियरल, रिप्रोडक्शन, ठीक है, कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव एक्शंस, तथा बहुत सी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सभी चीज़ों को क्या करते हैं, ये अप्लाई कहना चाहिए रेगुलेट करते हैं। ये बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। और हार्मोन्स जो है मुख्यतः क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली द एमिनो एसिड और स्टेरॉइड, और जैसे दूसरे और भी क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं,
सब्सटेंस हो सकते हैं। तो ये बेसिकली समझ में आया कि ब्लड में इसे मिला दिया जाता है। अपना खुद का कोई ऐसा वेसल्स नहीं होता जिसमें कि अलग से वो हार्मोन्स को क्या है उसको उसमें फ्लो हो, वो सीधा सीधा ब्लड में उसे मिक्स कर दिया जाता है। फर्दर ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के हर पार्ट में, तो हर जगह क्या है हार्मोन्स आसानी से पहुंच जाता है। यदि हार्मोन्स वहां पहुंच गया मतलब वहां पे जो भी एक्शन करना है, जो भी रेगुलेशन करना है, जो भी कंट्रोल करना है, वो अपना एक्शन करेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, वो पार्ट होता है कि डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स को आप याद रखें। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या है, इधर है आपका ग्लैंड और इधर है हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके बाद इधर देखेंगे क्या है फंक्शन, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये बातें क्या है आपका, सबसे पहले इसका क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट यानी पश्च भाग। दूसरा है पीयूष ग्रंथि का क्या, अग्र भाग या एंटीरियर पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट से क्या है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच दो ही निकलता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन का क्या काम करता है, लेबर पेन, जो गर्भवती माताओं में जो है डिलीवरी के टाइम में क्या लेबर पेन होता है उसमें, और दूध निकालने में ये क्या करता है, मदद होता है, ठीक है। दूसरा है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये क्या करता है, किडनी द्वारा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे ये हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है एंटीरियर पार्ट से अग्रभाग से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन्स। दूसरा प्रोलैक्टिन, ठीक है। तीसरा है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा है LH और पांचवा है ACTH, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा सा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स लर्न करने ही होंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत कॉमन पूछा जाता है। ग्रोथ हार्मोन देखो यहाँ पे चाहो तो HH वाला याद रख लो, GH, FSH, LH, ACTH, ठीक है, या GH, LH, FSH और ACTH, दो वर्ड वाले, तीन वर्ड वाले, चार वर्ड वाले। और उसके बाद लास्ट देखते हैं प्रोलैक्टिन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है, बॉडी के जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन किसी के बॉडी में वो ज्यादा सीक्रेशन हो जाए तो उस केस में वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा जाइंटिज्म दिखता है, बहुत ही बड़ा उसका बॉडी का उसका जो है साइज होता है, ठीक है। दूसरा जिन ग्रोथ हार्मोन्स कम निकला तो वो क्या होते हैं, बौने या ड्वार्फ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को समझ में आ गया आपको, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, शारीरिक वृद्धि का जो है में मदद करता है। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क सिक्रेशन में क्या है, हेल्प करता है। FSH जो होता है एक जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो फॉलिकल का जो है मैच्योरेशन, एस्ट्रोजन के जो है प्रोडक्शन में क्या हेल्प करता है। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन है जो और जो है अंडाणुओं का निर्माण, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है, है ना। यहाँ पे याद रखेंगे ये है आपका कौन सा है, एग का, एग प्रोडक्शन करेगा, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का जो है हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। ये सभी किस में होते हैं, फीमेल्स में होते हैं, ठीक है। वैसे ACTH जो हार्मोन्स होता है वो क्या है, अधिवृक्क वल्कुट ग्लूकोकार्टिकाइड और एंड्रोजन श्रावण को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये एंड्रोजन याद रखें जो मेल में होता है, ठीक है, ये बातें याद रखें, बस इतना ही काफी है। देन आफ्टर हम देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा निकलता है हार्मोन्स, बहुत कॉमन वो होता है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन ये है आपका, इसे T4 भी कहते हैं और T3 भी कहते हैं, जिसे क्या है ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं, और तीसरा है कैल्सिटोनिन। ये तीन टाइप के जो है यहाँ पे हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। T3 और जो का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, ठीक है, और जो है टिश्यू का ग्रोथ में क्या है, हेल्प करता है। सिमिलरली थायरॉक्सिन जो होता है आप सभी को पता होगा, थायरॉक्सिन क्या होती जो उसमें गॉइटर या गलगंड रोग हो जाता है अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है तो ये क्या करता है, ये भी मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये सब चीज करेगा। और यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखेंगे, गॉइटर या गलगंड, ठीक है, या गोइटर, ये डिसीज हो जाता है, याद रखेंगे। कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है, उसमें बोन्स में लिए गए रुधिर कैल्शियम का स्तर का नियमन करता है, ब्लड जो है ब्लड में क्या कैल्शियम को जो है यहां पे मेंटेन करने में हेल्प करता है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सी वर्ड आ रहा है तो कैल्शियम,
ठीक है। वैसे ही पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से जो निकलता है वो हार्मोन्स सीधा सीधा क्या करेगा, आपके जो है जितने भी प्रकार के जो आपके बोन्स होते हैं या इंटेस्टाइन की में जो होते हैं ब्लड कैल्शियम के स्तर को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं, ठीक है, पैराथायराइड। ठीक, आगे हम देखते हैं पैराथायराइड हार्मोन के बाद देन आफ्टर हम देखते हैं पैंक्रियास, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉमन है, इसे स्टार कर लें। आपके एग्जाम में तीन हार्मोन्स बहुत पूछे जाते हैं, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है आपका थायराइड ग्लैंड और तीसरा है आपका पैंक्रियास। तो पैंक्रियास में क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा सेल्स होते हैं, तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अल्फा से क्या निकलता है, अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन ही होते हैं। तो ब्लड में अगर शुगर के लेवल को कम करना है तो आपको इंसुलिन का सीक्रेशन उसमें बढ़ाना होगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में मतलब ये होता है कि अगर किसी के बॉडी में किसी को डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, मतलब समझ जाना कि उसके बॉडी में इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन इसलिए उनको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है इंसुलिन का पार्ट। अब यहाँ पे कहाँ से सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स, और अल्फा सेल से क्या होता है, ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन क्या है, ब्लड शुगर में शुगर का जो है लेवल को थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है, स्तर को बढ़ाना है। ये किसके कारण होता है, ग्लूकेगॉन के कारण हो जाता है, एक कम करता है दूसरा बढ़ाता है, ठीक, ये बातें सभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये अल्फा बीटा सेल्स कहाँ से होते हैं, ये है आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास में क्या होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वहां पे होते हैं ये अल्फा बीटा और गामा सेल्स, ठीक है। ये अल्फा बीटा और गामा सेल्स जो होते हैं, ये तीन सेल होते हैं, तो आपको सीधा सीधा पूछे जाएगा लैंगरहैंस की दीपिका किससे रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड विद पैंक्रियास, क्लियर हो गया। देन एड्रिनल मेडिला, एड्रिनल मेडिला से जो होता है एपिनेफ्रीन और नॉनएफिनेफ्रीन निकलता है। एपिनेफ्रीन का काम क्या होता है, कम समय के लिए तनाव प्रतिक्रिया, कम समय के लिए जो टेंशन ले लेते हैं या प्रतिक्रिया होती है, रुधिर शर्करा स्तर में बढ़ावा होता है, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जो वृद्धि वगैरह होती है ना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है ना, तो वो एपिनेफ्रीन के कारण होता है। नॉन एपिनेफ्रीन क्या होता है, कम समय के लिए जो तनाव और जो होता है या फिर हम क्या कहते हैं ब्लड शुगर जो है स्तर में अगर बढ़ जाता है, ठीक हो, यहाँ पे ये है, और ब्लड का जो है वॉल्यूम का रेगुलेशन करना होता है, आपके प्रतिरक्षी तंत्र या आपके इम्यूनिटी में जो होता है कम हो जाता है, वो किससे होता है, एड्रिनल मेडुला के नॉन एपिनेफ्रीन के सीक्रेशन के कारण होता है, ठीक है। ये फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्रेशन कहाँ कौन से हो रहा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि इधर की चीज़ें आप याद ही रखें, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, उनको याद रखना। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक पार्ट होता है जिसमें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों ही स्टेरॉइड हैं, याद रख लेना बस, ठीक है। उसके बाद देखो पीनियल ग्लैंड, यहाँ से इसमें क्या होता है, मेलाटोनिन का सीक्रेशन होता है, और ये क्या है, आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन करता है, आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। वैसे ही होता है थाइमस ग्लैंड क्या करता है, वहां से थाइमोसिन सीक्रेट होता है जो टी लिम्फोसाइट का क्या करता है, डेवलप करता है, डेवलपमेंट करता है। टी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी, ठीक है, तो इम्यूनिटी बूस्टर्स एंटीबॉडी वगैरह बनते हैं। ये बात सभी क्लियर हो गई। आगे हम देखते हैं जो है दो इंपॉर्टेंट जो है जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो है एक है टेस्टिस, दूसरा ओवरी, जिसमें टेस्टिस से एंड्रोजेंस निकलते हैं और ओवरी से क्या है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस निकलते हैं। ये चारों ऑप्शन एक साथ दे देता है, एक और कोई नाम दे देगा, तो याद रख लेना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो है आपका ओवरी, ठीक है, और दूसरा टेस्टिस और एंड्रोजेंस क्या है, वो है आपका टेस्टिस, ठीक है। एंड्रोजन किससे सीक्रेट होता है, टेस्टिस। तो यहाँ पे समझ जाना ये सभी के सभी क्या है, स्टेरॉइड है, सभी के सभी क्या है, स्टेरॉइड है। और जो है आपका एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, और यहाँ पे मेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वही बढ़ाता है, मैच्योरिटी उसी से होती है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल का जो है मैच्योरेशन जो होता है या जो मेनोपॉज वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है,
तो वो क्या होता है, मासिक धर्म आदि का सब रेगुलेशन कौन करता है, ये सब आपके एस्ट्रोजेंस करते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके मासिक धर्म का ये भी नियमन करता है, रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये रिलेटेड आप याद रखेंगे बस, ठीक है। फंक्शन बार बार मैं कह रहा हूँ, इधर का इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये और ये इंपॉर्टेंट होता है, कौन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। समझ गया आ गया आप सभी को। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऑलरेडी हम प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले भी हैं, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि ब्रेन के किस भाग में भूख लगने से व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आर द सेंटर फॉर फीलिंग हंगरी एंड द फीलिंग ऑफ, है ना, फीलिंग ऑफ प्लीजर फ्रॉम फूड लोकेटेड, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा भूख और प्यास लगना या भोजन से जो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो किससे होता है, तो बताओ क्या है आपका, देखते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। याद किए थे हमने हाइपोथैलेमस पार्ट से ये होता है, ये क्या किससे होता है, हाइपोथैलेमस पार्ट से होता है, यहाँ पे याद रख रहे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है, तो जो बुद्धि का केंद्र मतलब जो है द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन ब्रेन, मैंने कहा था कि किसी का अगर सेरेब्रम ज्यादा डेवलप है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो यहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंट वाला जो होगा वो क्या है, उसमें देखते हैं सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा या नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ये क्या है, सेरेबेलम तो बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, सेरेब्रम इज द पार्ट, ये किसका पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का, ठीक है, जिसमें सेरेब्रम ज्यादा डेवलप है तो इंटेलिजेंट होगा, तो इसका आंसर क्या है आपका, बी सेरेब्रम। वैसे ही हम देखते हैं थर्ड में हम देखते हैं कि सेरेब्रम किससे रिलेटेड है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लार्जेस्ट पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले याद रखेंगे सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेरेबेलम, ठीक है, हमने ये तो पढ़ा था। ब्रेन का टोटल कितना है, वेट कितना है, 1400 ग्राम, और इसमें जो लार्जेस्ट पार्ट क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरेबेलम, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, सबसे जो है लार्जेस्ट सेरेब्रम और दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट सेरेबेलम, ठीक, तो इसका आंसर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, रीजनरेशन पावर सबकी सबसे कम या लीस्ट किसकी होती है, ब्रेन सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स या लिवर सेल, किसमें सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा सबसे लोवेस्ट जो होती है वो ब्रेन सेल में होती है, एक बार डैमेज हो जाए तो लंबे समय तक उसको रीजनरेट होने में वक्त लगता है, या सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाता है, कोई ऑपरेशन होता है, तो लंबे समय तक उनकी याददाश्त आने में या नॉर्मल होने में समय लगता है, साल, दो साल, तीन साल तक भी लग जाते हैं, ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये है आपका पार्ट। देन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, कौन सा है, सेंट्रॉन, कोई चीज ऐसी होती ही नहीं है, एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन होता है, डेंड्राइट होता है, न्यूरॉन होता है, तो कौन सा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन्स होती है, और सबसे लार्जेस्ट सेल है आप बॉडी, ठीक है, तो इसका आंसर न्यूरॉन है। इसके बाद हम देखते क्या है, इसके बाद हम देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं, या फिर हम देखते हैं नर्व सेल, तो अभी हमने पढ़ा नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी मेरुदंड में यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, कितने जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ह्यूमंस, तो वो क्या होता है, ब्रेन से तो 12 पेयर्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पूछा है, वो क्या है, 31, तो सी इज द राइट आंसर। ये बात सभी क्लियर हुई, यही चीजें तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, बेसिक और फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये है हमारा जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क,
कशेरुकधन वर्टिब्रल कॉर्ड, तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स, कौन सा हो सकता है? यहाँ पे अगर हम देखें कि रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे जो होता है सेंटर क्या होता है, हमने कहा था सीधा आंख मूंद के आपको क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉर्ड को आपको टिक करना है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझना है, समझना था, जिसमें कि आपको ब्रेन और हार्मोन्स टॉपिक से हमको समझना था, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइप के जो टॉपिक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका और भी डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ सकते थे, लेकिन आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है, और इसमें इतना ही रिवाइज करके जाएं तो आपको काफ़ी इसमें एक ओवरऑल जो है कमांड हो जाएगी, आसानी से क्वेश्चन आप बना पाएंगे, क्योंकि हमने सभी पार्ट को ऑलमोस्ट टच किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साइंस एंड साइंस के कुछ और डिफरेंट टॉपिक के साथ, जिसमें कि हमको आगे और चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, जिसमें कि हमको अभी बायोलॉजी का एक और सेशन कवर करना है जो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम आगे उससे पढ़ेंगे, जिसमें कि हम मिसलेनियस चीज़ें, डिजीज, विटामिन और ये सब चीज़ें कवर करेंगे, और उसके बाद हम केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना जनरल साइंस का अप्रोच जरूर रखिएगा, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें रिवाइज करते चलें और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलता चले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।